हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सबको? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया होगा वीडियो किस टॉपिक पर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ हॉर्लिक्स के वुमेन प्लस फूड सप्लीमेंट का। ये जो फूड सप्लीमेंट है ये स्पेशली वुमेन्स के लिए बनाया गया है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस फूड सप्लीमेंट में क्या खासियत है, इस फूड सप्लीमेंट में बेसिकली कौन कौन से इन्ग्रीडियंट ऐड किए गए हैं, इस फूड सप्लीमेंट को किन्हें अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, इसमें हमें कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है, एग्जैक्टली हमें इसे किस तरीके से अपने डाइट में ऐड करना है, इसका प्राइस कितना है और आप इसे कहां से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप यहां पर देखेंगे ना, ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है बॉक्स का, तो उसमें लिखा हुआ है कि हॉर्लिक्स वुमेन प्लस जो है इसमें कैल्सिल फॉर्मूला है जो कि हमारे बोन्स के को स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ अगर हम इस सप्लीमेंट को सही मात्रा में अपने डाइट में ऐड करते हैं तो हमारी जो रोजाना की जो कैल्शियम की जरूरत होती है, जो रोजाना की रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो जरूरत है, वो ये 100% तक पूरा करता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक वुमेन को रोजाना 600 से लेके 1200 मिलीग्राम बीच में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर हम इस फूड सप्लीमेंट को सही मात्रा में अपने डाइट में ऐड करते हैं तो रोजाना जितना हमें कैल्शियम की जरूरत होती है वो ये पूरा करने में मदद करता है। साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये 100% हमारे जो डेली की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी और K2 की, इसे भी ये पूरा करता है। साथ ही साथ ये नो एडेड शुगर प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। अब हम चलिए ये देख लेते हैं कि इस फूड सप्लीमेंट में बेसिकली कौन कौन से इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं, किससे ये बना है। सो इंग्रेडिएंट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें सीरियल एक्सट्रैक्ट है 46%, जिसमें कि बारले और वीट से ये बना हुआ है। बारले यानी जौ, वीट यानी गेहूं, इससे ये बना हुआ है। साथ में इसमें 37% तक मिल्क सॉलिड है। सो फ्रेंड्स, आप ये ध्यान रखिएगा, जिन्हें भी लैक्टोज इंटॉलरेंस की परेशानी है, यानी जिन्हें दूध नहीं पचता है या दूध से कोई एलर्जी होती है, उन्हें इसे अपने डाइट में नहीं ऐड करना चाहिए। साथ में जिन्हें भी ग्लूटेन सेंसिटिविटी की परेशानी होती है उन्हें भी इसे अपने डाइट में नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि इसमें वीट ऐड है और साथ में इसमें मिल्क सॉलिड भी एडेड है। अब हम ये बात करते हैं कि नेक्स्ट और कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। तो इसमें कई सारे मिनरल्स है, एडेबल आयोडाइज सॉल्ट है, साथ में इसमें कुछ विटामिन ऐड किए गए हैं और इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर भी है, ये इन द फॉर्म ऑफ अ सुक्रोज के फॉर्म में इसमें ऐड किया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसे कौन कौन ले सकता है। बेसिकली इसे हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि इसमें काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम है फ्रेंड्स, जो कि हमारी रोजाना की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में काफी मदद करेगा। सो आप चाहें तो अगर आप कोई फूड सप्लीमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं तब आप उस मोमेंट में इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। बट हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें जो न्यूट्रिशन है ये हमें हमारे खाने के माध्यम से पूरा करना जरूरी है। खाने के माध्यम से अगर पूरा नहीं होता है उस मोमेंट में हमें किसी फूड सप्लीमेंट का सहारा लेना चाहिए, ना कि केवल फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं और हम खाना छोड़ दिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप माल नरिश हो जाएंगे, आपको कई सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो किसी भी फूड सप्लीमेंट को ऐड करने के पहले आपकी बात का ध्यान रखिएगा कि आपको आपको एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि आपको सफिशियंट अमाउंट में कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर मिले और साथ ही साथ विटामिन और मिनरल्स मिले। अब हम ये देख लेते हैं कि इस फूड सप्लीमेंट में हमें कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन की लिस्ट इन्होंने दी है ना, ये 100 ग्राम हॉर्लिक्स का जो वुमेन्स प्लस है इस पाउडर का 100 ग्राम में कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है ये बताया। सो 100 ग्राम में बेसिकली हमें 1000 मिलीग्राम तक का कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी 16.7 माइक्रोग्राम है, विटामिन के टू 91.7 माइक्रोग्राम है, प्रोटीन 15 ग्राम मिल रहा है 100 ग्राम अगर हम हॉर्लिक्स वुमेन प्लस लेते हैं तो। साथ में मैं एनर्जी की बात करूं तो 360 कैलोरीज मिलेंगी, कार्बोहाइड्रेट 68.2 ग्राम्स है, शुगर इसमें 0 है और फैट 3 ग्राम्स मिल रहा है। अब 100 ग्राम तक का तो हॉर्लिक्स का जो पाउडर है ये तो हम खाएंगे नहीं, इसका कोई एक रिकमेंडेड डोज होगा कि इतनी अमाउंट में हमें इस पाउडर को अपने डाइट में रोज ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 ग्राम हॉर्लिक्स वुमेन प्लस जो है ये रोजाना हमें 200 ml दूध में, गर्म दूध में मिलाकर इसे लेना है और इसे हमें 2 बार अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 30 ग्राम्स इसमें कहाँ है कि लेने के लिए। तो एक्चुअली 30 ग्राम्स दिखता कैसे है?
अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर हम 30 ग्राम्स तक का हॉर्लिक्स वुमेन प्लस जो है ये अगर हम हमारे डाइट में ऐड करते हैं तो हमें कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा। उस मोमेंट में कैलोरीज 108 कैलोरीज मिलेंगी, प्रोटीन 4.5 ग्राम्स मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 20 ग्राम्स मिलेंगे, फैट 0.9 ग्राम मिलेगा और कैल्शियम 300 मिलीग्राम्स मिलेगा। अगर हम 30 ग्राम का ये वाला जो हॉर्लिक्स का वुमेन प्लस जो है ये अगर हम हमारे डाइट में ऐड करते हैं तो, और इसमें बेसिकली बोला गया है कि इस फूड सप्लीमेंट को हमें 200 ml दूध के साथ लेना चाहिए। तो अगर हम दूध के साथ लेते हैं तो दूध के अंदर भी हमें कैल्शियम मिलता है, दूध के अंदर भी हमें प्रोटीन मिलता है, तब उस मोमेंट में उस हेल्थी ड्रिंक का जो न्यूट्रिशन है वो बढ़ जाएगा। अगर हम 200 ml दूध के साथ में 30 ग्राम का हॉर्लिक्स जो है ये ऐड करते हैं तो उस मोमेंट में हमें जो कैलोरीज है 253.6 कैलोरीज मिलेंगे, प्रोटीन 11 ग्राम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट 29.8 ग्राम मिलेगा, फैट 9.86 ग्राम्स है और कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम 536 मिलीग्राम्स मिल रहा है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि इसे ट्वाइस अ डे लेना है। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि अगर हम इस सप्लीमेंट को दूध के साथ अपने डाइट में ऐड करते हैं तो रियली में हमें काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम मिल रहा है, साथ ही साथ अगर हम दो बार लेते हैं तो हमें प्रोटीन्स भी नियरली 22 ग्राम के आसपास मिल रहा है, लेकिन कैलोरीज थोड़ी सी ज्यादा है और कार्बोहाइड्रेट भी काफी ज्यादा मिल रहा है। तो जो भी वेट लॉस डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं वो भी इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आपको इसे लिमिटेड अमाउंट में ही लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स हम ये बात करते हैं कि इस फूड सप्लीमेंट की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ये है 400 ग्राम का बॉक्स और इस 400 ग्राम के बॉक्स का जो प्राइस है ये 299 रुपीज़ है। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था और अमेजोन में मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस में भी मिला है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आप सभी को डिटेल में पता चल गया होगा कि इस फूड सप्लीमेंट में क्या कौन से इंग्रेडिएंट है, इस फूड सप्लीमेंट की क्या खासियत है, इसमें हमें कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसे किस तरीके से लेना है और कितनी मात्रा में लेना है और इसका प्राइस क्या है। सो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हूँ आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।